अंकल बुट्टी इतना बुट्टी पता मुझे। हाय गाइस, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। बट इस बार ही मैं आप लोगों के लिए कोई एडवेंचर या फिर कोई प्लेस या फिर कोई प्रोडक्ट का ऐड करने के लिए तो नहीं, मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक मैंने सुना था कर्नाटक के सोल्या जगह पे एक अंकल है जो 20 साल से जंगल में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका लैंड वैंड सब छीन गया था। तो वहीं पे मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, पता नहीं अंकल वो मिलेंगे या नहीं, बट आई होप कि वो मिल जाए तो उनसे थोड़ा बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जाना, तो यहाँ से कम 15 किलोमीटर अंदर वो जंगल में रहते हैं, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जाना। गाइज, ये अंकल है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। अंकल हेलो, ये है, इनका नाम है चंद्रशेखर। हाँ, एक्चुअली इनको हिंदी आता नहीं है, तो मेरे साथ और भी लोग आए हैं, तो मैं एक्सप्लेन करके डिटेल में फिर बताती हूँ कि क्या है इनका, जो यहाँ पे 20 साल से ये क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, वो अंकल को मेरा लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रहा है, बट जिनके साथ मैं आई हूँ ना, वो लोग से मैं डिटेल में बात की, तो वो अंकल उनको अपने कन्नड़ लैंग्वेज में बताए हैं कि 20 साल पहले उनको कुछ 38,000 का लोन था, तो वो लोन नहीं पे कर पाए थे, तो गवर्नमेंट उनका लैंड ले लिया था। तो तब से 20 साल से वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका लैंड वापस मिले, कोशिश किया उन्होंने लोन पे करने का भी, बट वो नहीं कर पाए, इसलिए वो यहाँ पे आए और 20 साल से सरवाइव कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगी वो कैसे रहते हैं, और अभी तो यहाँ कन्नड़ में, कर्नाटका में बारिश भी बहुत होता है, तो यहाँ पे वो पेड़ भी गिरा है, उन्होंने दिखाया कि लास्ट टाइम बहुत हवा से पेड़ भी गिरा, उनको रहने में भी बहुत दिक्कत है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका लैंड उनको वापस मिल जाए, बट अभी तक गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी है। ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನೆ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋ ಸಂ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ತುಂಬ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ 500 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಅದು ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಮದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಮದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಉಚಿತ ಯಾವ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ वो बोल रहा है कि उसको अभी तक 1 रुपये नहीं मिला, कोरोना टाइम को उसको जस्ट 500 रुपये दिया है, वो 500 रुपीज जस्ट उसको टैबलेट के लिए, बट अभी तक बाहर से उसको कुछ ना 1 रुपये भी नहीं मिलता है। गाइस, उनके पास ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब अर्जी है, ये सब निवेदन पत्र है, लेकिन कुछ भी बेचारे को हेल्प नहीं मिल पा रहा है अंकल को। ये इतना डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, इधर उधर भाग के भी,
फिर भी गवर्नमेंट उनको कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग का वीडियो बनाने का बस यही है कि ये इनको एक बार इनका लैंड वापस मिल जाए या गवर्नमेंट उनको उनका कोई घर दे दे रहने के लिए सर्वाइव करने, क्योंकि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, अकेले सर्वाइव करते हैं, इनके पेरेंट्स भी नहीं है, उनका भी डेथ हो गया है, फैमिली में कोई भी नहीं, अकेले 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही सर्वाइव करने के लिए ये छोटा मोटा कुछ काम करते हैं जो मैं दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ से लकड़ियों से ऐसा टोकरी बनाते हैं, आप लोगों को तो पता होगा इसका, ये सब वही बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, ये रेडी करते हैं हाथ से, ये बहुत हैवी भी है, लकड़ियों से हाथ से बनाया हुआ है बिना किसी मशीन के, यही बना के फिर वो वहाँ जाके इसको सेल करते हैं। और बहुत हैवी भी है ये, हाथ से बनाया हुआ है, थोड़ा पास से बनाओ वीडियो इसको, पूरा लकड़ी है। ओ गाइज मैं दिखाती हूँ, वो जो टोकरी रेडी करते हैं ना उसके लिए वो लकड़ी उठा उठा के वो जंगलों से लेकर आते हैं, वो रखा हुआ है उधर पे। मैं इनका घर दिखाती हूँ, उन्होंने कैसे खुद को सर्वाइव करने के लिए कैसे जगह को कवर किया है। ये ऊपर तिरपाल लगाया हुआ है बारिश से बचने के लिए, ये इनका एक बहुत पुराना कार है इसको रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा रेडियो है बहुत ओल्ड टाइम का, और ये इनका कार है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं बेचारे, उनका कपड़ा सामान अंदर तक मैं दिखाती हूँ। तो बेचारे बहुत अंधेरे पर रहते, मैं मोबाइल का टॉर्च जला के दिखा रही हूँ अंदर तक, देखें कितना मुश्किल से वो सरवाइव करते हैं, यहीं पे सोते हैं, ये इनका कार है। और इधर पे तो इनको बिजली नहीं मिल सकता, बट यू नो सोलर से उन्होंने करंट कनेक्ट किया हुआ है, और इनके पास ऐसा बटन फोन है तो वो कनेक्ट करके फिर वो चलाते हैं। ये उनके पास लालटेन है जिसको चार्ज करके बाद में वो बेचारे यूज करते हैं रात को। तो ये ऊपर से सोलर लिया हुआ है, तो अगर देखें कभी बारिश का सीजन होता है तो मौसम खराब होता है तो सोलर लेना भी मुश्किल हो जाता है, वो कैसे सरवाइव करते हैं हम लोग खुद सोच सकते हैं, हम लोग तो एक दिन का भी नहीं सोच सकते, वो 20 साल से यहाँ पे इतना परेशान है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है उनको। अंकल बुट्टी इतना बुट्टी बताओ मुझे, हां हम लोग ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो पैसे नहीं ले रहे हैं। अंता अंता तुले इंजा बुट या एंगल नेक्स्ट बार नेक्स्ट बार तेरा कर ले बुटी कर ले मुझसे ले ओ, हम लोग सोचे थोड़ा सा उनको हेल्प कुछ थोड़ा बहुत कर दे बोल के, वो तो एक रुपए लेने को भी रेडी नहीं हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जो मैं बनाता हूँ वो टोकरी वो ले लो तो थोड़ा बहुत ले लूँगा, अदरवाइज तो वो ऐसे कुछ हेल्प लेने को भी रेडी नहीं हो रहा। गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनके लिए कुछ सोचो, गवर्नमेंट तक जाएगा ये मैसेज तो शायद उनको उनका लैंड मिल जाएगा या एक घर मिल जाएगा उनको रहने को। इनके पास एक रेडियो भी है जो बज रहा है, इसमें ये पूरा टाइम सॉन्ग और न्यूज़ सुनते ही रहते हैं, इनका यही एंटरटेनमेंट के लिए एक जरिया है, और कोई नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है, ये सब सोलर से ही लिया हुआ है उन्होंने कनेक्ट, आप देख सकते हो तार। सोलर है कार कैसे है इनके पास? उसका एक्चुअली लॉयर के पास पहले बहुत पुराना फ्रेंड के साथ लिया, ठीक है रहने दो नहीं चाहिए। ओके ये वाला आप साइकिल देख रहे हैं ना, इसी पे ही वो जो टोकरी वो बनाते हैं, महीने में एक बार जाके सेल करके जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसी से ही वो खाना वाना खाना सरवाइव करना उसी में ही कर रहे हैं वो, और अंदर कार पे ही वो सोते हैं, बारिश के टाइम भी उनको बहुत दिक्कत होता है, वो बता रहे हैं अपने लैंग्वेज में, बहुत तकलीफ में है वो,
बहुत उनको स्किन में भी प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग का वीडियो बनाने का मतलब यही है कि यहाँ का गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, आप लोग देखेंगे, तो क्या पता आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं। मैं एड्रेस डालूंगी आकर, या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे तो शायद सरकार को लगेगा कि यहाँ इनको कुछ हेल्प करना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ बेचारे खाना भी कैसे बनाते हैं ना। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना भी सरवाइव करने के लिए कहाँ से पैसा अरेंज होता है। बैटरी अर्धा घंटे चलाई, बैटरी खाली ला, बैटरी बहुत ना लो, बैटरी पोई ना। हाँ एक्टिव है ना? ओके गाइस, मेरा इन्हीं का वीडियो मैं बना रही थी। तो इनका नाम है चंद्रशेखर और मैं एड्रेस दे रही हूँ कर्नाटका में शुल्या बोल के अरंतोड़ुविला। आप लोग अगर यहाँ आएंगे, किसी से पूछेंगे भी, तो कोई भी ये जगह का बारे में आपको बता देगा, तो आप लोग आके इनका हेल्प कर सकते हैं जैसे भी होता है। बस मेरा मेन इनकी यही है कि इनका हेल्प होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को वॉच करने के लिए, और थैंक यू। मैं भी हेल्प की मैडम जो थ्रो करी कॉन्टेक्ट है। हाँ हाँ, ये भारत सरकार ऐन सौलभ्य कोड़े हाद् ना प्रजाप्रत्न कड़गणसू नान मुंे केड़तक प्रतियोली कईगारिका शक्ति बाकी आगे अद्वान सरकार दाय पाली तम एल मध्यम हत बंद अंदर केदे ना कोईकये अन्नमंगलूर सिद्धि कासरगोड सुखबापुरली सोनु संचारी आगे सेर निम यूट्यूब माई ट्यूब ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ವಿಟಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ये अंकल ये बोल रहे हैं इनको रहने के लिए तो हम बोल ही रहे हैं, बट ये जो टोकरी बनाते हैं बोल रहे हैं लकड़ी बिन बिन के, तो वो बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बनाने के लिए एक नाम मिलना चाहिए ताकि ये आगे भी वो काम को अपना बढ़ा सके। तो गाइज आप लोग कैसे भी करके इनका प्लीज हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा आप ये शेयर करोगे ये वीडियो तो लोगों को पता चलेगा, तो कोई ना कोई डेफिनेटली मेरा विश्वास है वो हेल्प करेगा। थैंक यू।